ये कहना चाहता हूँ कि इस ये टूर टार संबंध होने चाहिए और पढ़ाई पर जोड़ देना चाहिए। ये अपनी मर्जी से ले जाते हैं और अच्छा स्कूल की मशहूरी के लिए इससे काम नहीं चलेगा। बच्चों को पढ़ाने से ही काम चलेगा, ये सुख की मशहूरी से घुमाने घूमने से कोई फायदा नहीं है। अब इसका कौन जिम्मेवार होगा जिसके घर से ये बंदे गुजर गए हैं। हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल हिसार क्षेत्र के अंदर बैठे हैं यहाँ इस वक्त। इस तरह बुरी घटना नहीं हो सकती, इससे दुखदायी घटना नहीं हो सकती। 7 घरों में मातम पसरा है और जो बाकी 27 बचे हैं उनका भी बुरा हाल है भाई। क्यों? क्योंकि 34-35 टीचरों का स्टाफ चला जाता है नैनीताल घूमने के लिए और वहाँ से खबर आती है कि खाई में बस गिर जाती है और 7 की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। परिवार आप देख सको किस सदमा में है, बोलने की हालत में नहीं है। जानेंगे क्या कांड रहा, क्या हुआ जिस कारण आज 7 परिवारों में मातम छाया हुआ है और बाकी बचे 27 परिवार वो भी रो रहे हैं किस तरह। राम राम भाई। राम राम। आपके परिवार से कौन था भाई? हाँ जी, मेरी वाइफ थी और मेरी गुड़िया थी। अच्छा जी, तो ये कौन से स्कूल में टीच करते थे? ये मानव इंटरनेशनल है कोई स्कूल। अच्छा। शाहपुर रोड पे जी। कैसे हुआ थोड़ा पता चला कुछ? कल कॉल आई थी 1:07 बजे अननोन नंबर से। अननोन नंबर से? हाँ जी, उनका लोकल नंबर था उनका, ये नैनीताल वालों का। कहती है आपकी बस का एक्सीडेंट हो गया, वो सारे घायल हो गए हैं। फिर हम वहाँ से यहाँ से गाड़ी करके गए रात को 9 बजे और सुबह पहुँचे वहाँ, जाके फिर संभाला हमने सबको। आप गए थे? नहीं, हमारे और रिलेशन वाले गए हुए, हम तो नहीं गए। अच्छा जी। हाँ, तो हम जा नहीं पाए, हमारे घर कोई था नहीं। तो हमारे रिलेशन में भाई गए हुए हैं तो आज सुबह पहुँचे हैं 5-1 बजे वो, तो वहाँ जाके उन्होंने संभाला है वहाँ पे। किस कंडीशन में है भाई? उनको काफी चोटें आई हुई हैं, ऊपर से गिरे, देखो चोट। हाँ, तो काफी चोटें आई हुई। अच्छा, क्या कारण लग गया भाई एक्सीडेंट का? कारण तो जी ये ड्राइवर की लापरवाही है जी। ड्राइवर की लापरवाही? ऐसा भी उसका भाई, ये नाच दे गांदे आपस में मस्ती में और ध्यान ना दिया हो? ना जी, ड्राइवर की लापरवाही है, ड्राइवर ने ध्यान ना दिया। ये एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है वहाँ के, ये पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों वाले ड्राइवर एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ वाले ये इनको नॉलेज नहीं है, यहाँ वाले ड्राइवरों को नॉलेज नहीं है वहाँ चलाने की, तो उसकी वजह से लापरवाही से हुआ ये। आंटी से पूछेंगे, आंटी के कहना चाहोगे? मतलब आप देखो 7 घरों में ताला लग गया, ये देखो बोल नहीं सकते, अंकल से बात करने ही बात कर रहे, अंकल से बात करेंगे। अंकल जी क्या कहना चाहोगे? 7 घरों में, इधर ले आओ थोड़ी चेयर, 7 घरों में ताले लग गए, क्या इस तरह के टूर कितने बढ़िया मानो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ये टूर टार सब बंद होने चाहिए और पढ़ाई पर जोड़ देना चाहिए। ये अपनी मर्जी से ले जाते हैं और अच्छा स्कूल की मशहूरी के लिए इससे काम नहीं चलेगा। बच्चों को पढ़ाने से ही काम चलेगा, ये सुख की मशहूरी से घुमाने घूमने से कोई फायदा नहीं है। अब इसका कौन जिम्मेवार होगा जिसके घर से ये बंदे गुजर गए हैं, जब डेथ होगी इसका जिम्मेवार कौन है? 7 घरों का ताला लगा, इसका जिम्मेवार कौन है? ये अपनी मर्जी से ये स्कूल की मशहूरी के लिए जाते हैं, पढ़ाने पर जोर नहीं लगाइए, ये दूसरे के परिवार को खत्म करने के लिए मतलब जोर है ये। और वैसे भी परिवार तक नूर जावे स्त्रियां, मतलब पढ़ाई तो एक अलग चीज है, ये घूमना कहाँ तक उचित लगा? ये घूमना गामना ये सब ये बकवास है ये, और ये वैसे ही प्रोपगंडा है ये, कुछ नहीं है ये। अच्छा, साल में कितनी बार ले जाए टूर पे? ये मेरे को पता नहीं है जी मैडम, कितनी बार ले जाए जी? पिछले महीने ही गई है जो पे। अच्छा अच्छा, पिछले महीने से ही गलत। अच्छा जी, तो अब चोट का पता है आंटी जी कहाँ कहाँ लगी है? मेरी पोती को तो सिर पे लगी है, पट्टी बांधी हुई है उसने। अच्छा, वीडियो कॉल पे हुई है आपकी बात? फोन में देखा है, अखबार में देखा है, अखबार में देखा है। हाँ, और बहू को यहाँ पे नोज पे फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, वैसे सुकुशल है, बात हुई है आपकी? हाँ, बात हुई, मतलब ठीक ठाक है। हाँ। आप क्या कहना चाहोगे आंटी? कुछ नहीं, देख लो भाई आंटी बोलने की हालत में नहीं है। अंकल का साफ यू कहना है भाई, पढ़ाई का मतलब स्टाफ है तो पढ़ाई के लिए है, ऐसे घूमने फिरने से क्या हुआ है? अब 7 घरों में ताला लग गया है, जो 7 जिंदियां गई हैं, क्या उनकी कोई भरपाई कर सकता है? दूसरी तरफ स्टाफ से नहीं पता चलता, स्कूल से नहीं पता चलता, अननोन नंबर से कॉल आवे क्यों अंकल? ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं स्कूल को बताना चाहिए था। हाँ, स्कूल वाले को बताना चाहिए था, या जो जो मेन जो ले गया उनकी जिम्मेवारी पूरी होनी चाहिए थी भी, कि हम इसको ले जा रहे हैं तो भाई इसको भाई उसके अंदर खुद नहीं बैठे, ये वो अपनी पर्सनल गाड़ी में हैं, ये जैसे भी हैं, मतलब उनको अपना वहाँ का बंदा एक्सपर्ट ले जाना चाहिए था जिसको भी चलाने की नॉलेज है, और जिस तरह ले गए उसी तरह इनको वापस लाने की जिम्मेवारी उनकी होती है ये, ना कि ये मतलब हमारा गर्दी होगी। ये बाहर को इस बात का बड़ा दुख है और हम इसको भूल नहीं सकते, बात यह है जी।
अच्छा और भी स्कूल हैं अपना झूठा दिखावा खातर स्त्रियां करना चाहवे तो के कहना चाहोगे? पहला शिक्षा होए करदी, सादी शिक्षा होए करदी, लेकिन आज शिक्षा ना रहकर आप जिस तरह कह रहे हो कि सिर्फ दिखावा हो गया, तो यू आप के कहना चाहोगे? आजकल के बच्चों पर भी इसका बहुत गलत असर पड़ता होगा। हाँ, तो बच्चों को भी बिगाड़ दिए, बच्चे क्या पढ़ाते कहाँ हैं ये, बच्चों को बिगड़ रहे हैं ये, तो घुमाने के लिए खर्चा पेशेंट इनको घर के लगा देते हैं, खर्चे भी उनके लगाते हैं, घुमाने का भी जज्जर कह दें, कोई कोई स्कूल वाला कहाँ ले जा रहा है, कोई कहाँ ये, कोई ये अपने अपने स्कूल की मशहूरी के लिए, बाकी पढ़ाई नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ाई के नाम का कोई बिल्कुल ही नहीं है, पढ़ाई खत्म है। अच्छा लगभग लगभग कितनी जिंदगियां खत्म होने की सूचना आपको मिली है? ये तो सात कह रहे हैं जी, पाँच लेडीज हैं और एक जेंट्स है, एक बच्चा है 10-12 साल का, तो ये बहुत बुरी बात है जी। हम तो आपके परिवार से सुना एक लड़की और, तो ये हमारी दोती है जी, वो इंदवान से मेरी दोती लगती है, मतलब भाई की जिस तरह दोती है जी हमारी, उस मान लो शादी और की लड़की की? नहीं नहीं, अनमैरिड थी वो, अनमैरिड है तो भाई। कहां चोट आई थी उसको? उसको जी हमें तो पता नहीं, हम तो बैठे अभी तो कह रहे हैं, वो तो फिर वो बेचारी खाई में जा गिरी नीचे, तो बस तो एक पेड़ से अटकी, कह रहे हैं वो नीचे गिर गई होगी बेचारी, वो हम के मौके तो थे नहीं, तो हालत वो माड़ी है, जो डेड बॉडी निकली वो तो वहाँ से, उन्होंने बस डेड बॉडी नहीं, वो आ रहे हैं जी वो, तो तो आप देख सको हो। तो आंटी ज्योति के लिए क्या करना चाहोगे? आज ज्योति नहीं है बीच में, वो तो ज्योति भाई देख सको हो, जिस घर तक बेटी चली जावे, क्योंकि कभी इनको उतना वो ज्योति खेली होगी, तो आज क्या हालत है, कौन जिम्मेवार है, क्या भरपाई कोई कर सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा। ठीक है आंटी जी।